का कोर्स में एक डाइस दो डाइस, देखो दो डाइस में टोटल इवन 36 होंगे, आखिर कैसे? देखो थोड़ी लॉजिक लगाओ, आप एक डाइस में उन बच्चों के लिए जिनके बेसिक बहुत कमज़ोर हैं फेंकोगे, फर्ज करो पहले डाइस पे वन आया, अब दूसरे पे ज़रूरी वन भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है, पहले पे वन दूसरे पे भी वन, फिर एक चांस ये हो सकता है पहले पे वन दूसरे पे टू, पहले पे वन दूसरे पे थ्री, पहले पे वन दूसरे पे चार, पहले पे वन दूसरे पे पाँच, पहले पे वन दूसरे पे छः, ऐसे ही होगा ना। अब देखो दूसरा डाइस उठाओगे, हो सकता है पहले पे टू दूसरे पे वन, पहले पे टू दूसरे पे टू, पहले पे वन दूसरे पे, पहले पे टू दूसरे पे थ्री, पहले पे टू दूसरे पे फोर, पहले पे टू दूसरे पे फाइव, पहले पे टू दूसरे पे सिक्स, इसी तरह ये चलता रहेगा। मेरे हिसाब से इस चार्ट को खुद बना के देखो, देखो पहले पे थ्री दूसरे पे वन, पहले पे फोर दूसरे पे वन, पहले पे फाइव दूसरे पे वन, पहले पे सिक्स दूसरे पे वन, पहले पे थ्री दूसरे पे टू, पहले पे फोर दूसरे पे टू, पहले पे फाइव ठीक है दूसरे पे टू, पहले पे सिक्स दूसरे पे टू। अब देखो इस पहले पे थ्री दूसरे पे थ्री, पहले पे थ्री दूसरे पे फोर, पहले पे थ्री दूसरे पे फाइव, पहले पे थ्री दूसरे पे सिक्स, वैसे और हो सकता है भाई, पहले वाले पे तो फोर फिर थ्री, रोज़ वाइज चल रहे हैं तो ये पहला वाला सेम, पहले पे फोर दूसरे पे फोर, पहले पे फोर दूसरे पे फाइव, पहले पे दो। एग्जाम में देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। हाँ अभी ज़रूर बनाओ, पहले पे फाइव थ्री फाइव फोर, अपनी कॉपी में फाइव 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 सिक्स, सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स, इस तरह से बच्चों ये पूरे का पूरा चार्ट अपने पास ड्रॉ करो। ओके जी, अब देखो बड़ी अहम बात, टू डाइस आर थ्रो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट इज ऑड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट इज इवन। अलग अलग सवाल आया था, एक बार आया था कि टू डाइस थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के सम ऑफ डिजिट ऑड आए, किन का सम, इनका सम। देखो वन और वन का सम जिस तरह टू आ रहा है इवन, वन और टू का सम कितना आ रहा है थ्री, यानी कि ऑड, तो ऐसे बात हो रही है। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, एक डाइस हो दो डाइस हो, सम ऑड आने का चांस भी हाफ, सम इवन आने का चांस भी क्या होगा, हाफ। इस बात पर आंख बंद करके यकीन रखना, वेरी वेरी। और बड़ी अहम बात है, इफ टू डाइस थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डिजिट इज जीरो, एब्सोल्यूट डिफरेंस। वेल एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि फोर और एक का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है भाई, तीन है, फोर और एक का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, तीन है। तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, यहाँ कह रहे हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस जीरो, कौन कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं भाई जो सेम फेसेस वाले हैं, वही यार वन और वन, टू और टू, थ्री और थ्री, फोर और फोर, फाइव और फाइव और सिक्स और सिक्स, ठीक है ये हो गए भाई। तो ये टोटल कितने हो गए, यार बड़ी अहम बात है, ये टोटल छः हो गए और आउटकम 36 को होगा, टू डाइस का हमेशा 36 होता है, 6/36, वेल आंसर 1/6, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक तो चाहिए करेक्शन कर ले, 6/36 जा रहा है 1/6 होगा। अब देखो एक और सवाल है, टू डाइस आर रोल वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट इन विच डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑफ। अब देखो डबल ऑफ एनी काइंड क्या हो सकता है, जैसे कि 1.2 या 2.1, 4.2 या 2.4, 3.6 या 6.3, ये सारे वो इवेंट हैं डबल ऑफ एनी काइंड का। तो ऐसे कितने इवेंट हो जाएंगे भाई, 6, टोटल क्या है 36, 6/36 यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/6। दोचो अगर एक की जगह दो डाइस हों तो 6 का स्क्वायर यानी 36, 6 की पावर n हमारा सैंपल स्पेस होता है, यानी एक तो हो सकता है दोनों डाइस पे 1-1 हो, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, ये हो सकता है पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, फिर 2 फिर 5 फिर 2 और 6। ये खुद से बनाना कोई ऐसा मसला नहीं है, देखो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6,
4, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. फिर इसी तरह 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. ये से पूरा एक चार्ट बना।